नमस्कार हमारे ओबरा के सभी भाई बंधुओं को। सभी भाई बंधुओं से मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग कहीं बाइक खड़ा कर रहे हैं तो ऐसे जगह खड़ा कीजिए जहाँ कोई खतरे का चांस ना रहे। पता चला झाड़ी झंकाड़ी की तरफ खड़ा कर दें, गलत जगह खड़ा कर दें कि सांप कीड़ा मकोड़ा बाइक के अंदर घुस जाए, खतरा कभी भी हो सकता है। हमेशा अपना ध्यान रखें और बाइक चलाने से पहले हमेशा बाइक के आगे पीछे झांक लें, क्योंकि बाइक के अंदर से आज मैं निकाला हूँ कोबरा नाग। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए प्लांट प्लांट भी 1000 जहाँ जितना ज्यादा अंदर जाए जैसा मेहनत होता दाम यादव जी का क्या करा थी तुमने रेडियो की रद्दी करा दो काम का मतलब उड़ा खुला हुआ है। अरे भाई रे भाई कहाँ घुसा है इधर ना, पहले कैसे हुआ है? अरे दम जल बता भैया ये बाइक के अंदर घुसा हुआ सांप ये काफी देर से पहचान करके रखा हुआ था और ऐसा ही हादसा होने का चांस रहता है, इसीलिए कभी भी कोई शंका रहे उसे दूर कर लें। पूछा हमसे क्या कहनी है, पूछा क्या कहनी हमसे? जिंदगी से बढ़ गया पैसा नहीं है भाई लोग, ध्यान दीजिए। ये रहा सर प्लांट, कौन सा प्लांट है? प्लांट प्लांट का नाम है। अच्छा अच्छा फोटो तो ले लिया जान तो होके देख कर जान यहाँ कौन प्लान। हाँ वो रिकी भाई आपको देख लिए, जनता देखेगी तो नहीं जान जाएगी। जो तो खड़ा करिए पूरा फन फैलाएगा। ना ना एक बार फन फैलाएगा भैया, आ जा लल्लू आ जा। हाँ हाँ बस गिल का वो आराम से आराम। लो यार देखो उतना हिम्मत करे तुम लोग, मुझे ऐसा निकाल दिया वहां से। लो फरीक उधर जाके लो देखिए भैया की बोल्ट के नीचे, बोल्ट के नीचे ये बोल्ट है, बोल्ट के नीचे। हाँ वही 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 गया उधर, गया उधर। कपड़ा भैया कपड़ा रख रहा होगा ना। तू बताना है ना हमको। हाँ हाँ जरूरी है, फस गया क्या? हाइट हो गया नहीं पता नहीं, नहीं तो निकल रहा थी भैया। नहीं भैया देखिए भैया फन फैलाइए। जो ये रहा कोबरा नाग जो काफी मेहनत कर रहा है, कोबरा ही है ना, हम पहले ही देखे समझ में कोबरा। ऐसा सांप काटे तो आदमी कहानी समाप्त कर देगा, अगर ढंग से इलाज नहीं हुआ तो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो सही है, और ना फिर भगवान जाने। चलो देखिए, और कभी भी ऐसा सांप काटता है तो उतने दूर पे आप शीरा लगा के जाइए और चौड़ी पट्टी से बांध के जाइए। शीरा लगाना बहुत जरूरी है, कम से कम वहाँ का जहर निकलने का चांस रहता है, 99% चांस रहता है। निकलने की कोशिश बहुत कर रहा था लेकिन बार बार कहीं ना कहीं अड़क जा रहा था। मोटा है ना, ऐसे ही रहेंगे कोई सांप नहीं काटेगा, देख लीजिए पैर के बगल से निकल जाएगा। जब तक उसको कोई छेड़छाड़ चार्ज नहीं करेगा तब तक नहीं काटेगा। ये होगा रहेगा तो भी कोई भी सांप रहो रहे, अब ऐसे खड़े हो जाइए सीधे निकल जाएगा। अब ऐसे देखिए हम खड़े हैं ना, जब तक हाथ पर नहीं पड़ेगा तब तक उसको टच करेगा तभी काटेगा, ये चाहे तो काट सकता है। नहीं सांप कहीं भी कोने टकोने में है, चुपचाप खड़े हो जाइए, सपोर्ट आएंगे तो एक बहुत दिक्कत हो जाएगा।
ऐसे ही एक साथ पांच लोग करेगा। देखिए भागे तो क्या बुलाएंगे, तो इधर उधर तो छुटवाएंगे, हम उधर हम मान लेते कि भागे तो क्या होगा, भागिए मत चुपचाप ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे ही सांप रहेगा निकल जाएगा, जैसे गैया रैली सर। हां चुपचाप ऐसे खड़े रहिए, गैया ना मार गैया तो बात दूसरी है, वो तो हमें नहीं गैया नहीं मार पहले नहीं सांप जैसे खड़े हो जाइए, कोई भी जानवर कहां है ना पहनावा मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर 84-23-48-92-90, एक और नंबर है 95-65-20-64-33, 24 घंटा सेवा उपलब्ध। ये मौसम ऐसा चल रहा है, कृपया हमेशा सावधानी रखें, कोई भी शंका लगे तो शंके को हमेशा दूर करवा लीजिए, शंके के चक्कर में इंसान की जान चली जाती है ना भैया। अब पता चला भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, निकल गया हाथ पे काटे दे कोई भी क्या करते हैं हाथ पे, ये तत्काल काटता है, ये एक बार नहीं ये कई बार काटता है इंसान को। इनको कोई तकलीफ नहीं है, हम गुड़ वाला ही लाए हैं, इसीलिए बैठे संस्था बना करके हर एक साल इनके नाम से एक भंडारा कि हमारे जो भी आदमी हैं सुरक्षित बचे रहे, उनको कुछ सुना इनके नाम से।